दूसरा क्लास देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, सारा समिति आपको याद रखना था, जो गाडकिल समिति है, देखिए एक संसदीय प्रक्रिया आपको याद रखनी है और संसदीय प्रक्रिया के बाद जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में उसको याद रखना है। तो गाडकिल समिति के कहने पर ठीक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, पहली बार किस समिति ने सिफारिश की? लक्ष्मण सिंह जी। उसके बाद कौन सिफारिश किया? थुम्बन। उसके बाद कौन? गाडगिल। ठीक है, गाडगिल कब आया? तो 1988। गाडगिल समिति के कहने पर या सिफारिश पर या अनुशंसा पर पहली बार जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए एक विधेयक लाया गया जिसे कहा गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक। कोई विधेयक जो है जब उस पर राज्यसभा से पास हो जाए, लोकसभा से पास हो जाए और राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाए तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाएगा। ठीक है, तो जब वो लोकसभा में आया तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा। कब लाया गया? तो 1992 में वो विधेयक लाया गया, लोकसभा में पारित किया गया 22 दिसंबर 1992। डेट आपको याद रखना है, 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल को और संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993। समझ में आ रहा है? तो जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, विधेयक से वो क्या हो गया? अधिनियम हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 92 लाया जाएगा आपका संसद में, संसद में सबसे पहले लोकसभा में, लोकसभा में 22 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1992, उसके बाद राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1993, और संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब होगा? तो 24 अप्रैल 1993। याद रहेगा, डेट याद करते चलिए। किस समिति के सिफारिश पर लाया गया? तो गाडगिल समिति की सिफारिश थी कि इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर लोकसभा में उस 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, लोकसभा में 22 दिसंबर, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992, ठीक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993, और संपूर्ण भारत में लागू कब होगा? तो 24 अप्रैल 1993। याद रहेगा, याद रखना है, ठीक। इसीलिए प्रतिवर्ष हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, आपको याद रखना है। तो प्रतिवर्ष आपको पूछा जाएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या लेना है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 24 अप्रैल 1993। याद रहेगा। अब यह संविधान, जब इसका संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ? तो भारत के संविधान के भाग 9 में व्यवस्था की गई, संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारत के संविधान के भाग 9 में व्यवस्था की गई है। भाग 9 में व्यवस्था की गई है, अनुसूची 11 में व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 9 में मिलेगा, भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में कुल 29 विषय जोड़े जाएंगे और भाग 9 में अनुच्छेद जोड़े जाएंगे, आर्टिकल जोड़े जाएंगे, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक। कुल कितने आर्टिकल जोड़े जाएंगे? तो 15। ये याद रखना है। भाग किसमें? 9 में। अनुसूची किसमें? 11 में। अनुसूची में कितना सब्जेक्ट? टोटल 29 सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे। आर्टिकल कितने? तो कहां से कहां आर्टिकल? 243 ए से 243 ओ, टोटल कितने आर्टिकल? 15। याद रखना है। संवैधानिक मान्यता कब कब क्या क्या प्रोसेस हुआ और जब संवैधानिक मान्यता हो गया तो भारत के संविधान में क्या कहां कहां उनको स्थान दिया गया, याद रहेगा। 22 दिसंबर 23 दिसंबर 20 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल 1993। इधर भारत के संविधान का भाग 9, अनुसूची 11, टोटल 29 सब्जेक्ट, 243 से 243 ओ, टोटल कितने बनेगा?
याद करते चलिए ना, याद करते चलना है। उस समय जब ये विधेयक लाया गया था तो इस विधेयक में किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है, तो राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे, और किस सरकार में ये लाया गया, या उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति कौन, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन, तो पीवी नरसिम्हा राव। बनेगा, याद करते चलिए, हर एक चीज आपको याद करते चलना है। इस क्लास का उद्देश्य यह है कि चीजें याद होनी चाहिए, लिखा हुआ आपको हर जगह मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट चलते। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित हो गया, जैसे ही पारित हुआ पूरे भारत देश में लागू करने की बात की गई, ठीक है। तो क्या कहा गया, हर एक राज्य की सरकार को क्या कहा गया कि हर एक सरकार अपने अपने राज्यों में एक वर्ष के भीतर पंचायतों की स्थापना करे। समझ में आ रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भी पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, याद आ रहा है, पंचायत की गठन हो, पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी, फिर आंध्र प्रदेश में भी हो चुका था, ठीक है। तो क्या कहा गया, इसके लिए यह प्रावधान किया गया कि शर्त यह रखा गया कि जिस राज्य में पहले से है उस राज्य में उस पंचायत का जो पदाधिकारी है अपना कार्यकाल पूर्ण कर ले, उसके बाद नए पंचायती राज की गठन किया जाएगा या नए पंचायतों का गठन किया जाएगा, ठीक है। जिस राज्य में स्थापना नहीं हुई है वहां एक वर्ष के भीतर क्या करना है, वहां की राज्य सरकारों को क्या करना होगा, पंचायतों की स्थापना करनी होगी। तो जहां पहले से है वो कार्यकाल कर लेंगे पूरा, उसके बाद होगा, और जहां नहीं है वहां एक वर्ष के भीतर किया जाना है। याद रहेगा, देखते चलिए, याद करते चलना है। ऐसा कौन कौन सा जगह है जहां 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो दिल्ली में लागू नहीं है, और भारत के संविधान के अनुसूची 6 में आने वाले राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहां लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे भाग 9 के तहत जो आर्टिकल है, उस 15 के 15 आर्टिकल को याद करना है, पूरा 15 आर्टिकल अभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। 15 के 15 आर्टिकल आपको सबसे पहले 243 से ए, 243 बी, 243 सी, ऐसा करते हैं हमको ओ तक चलना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको जैसा बता रहा हूं वैसा पहले आप मेरे को बताने दीजिए, फिर याद करेंगे। जैसे ही हम 243 ए बोलेंगे, ठीक है, अच्छा हिंदी में अगर आ गया तो 243 क से 243 अड़ा, बाण के अड़ा तक, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। तो 243 ए से 243 ओ, हिंदी में क से लेकर अड़ा तक, याद रहेगा, याद रखना है। जैसे ही ए बोलेंगे, अब आपको 243 तो सब में कॉमन है, अलग क्या है, तो एबीसीडी अलग है। तो आज के बाद जब भी बोलोगे ए ग्राम सभा बोलना है, ए ग्राम सभा, ठीक है, बी गठन, ए ग्राम सभा बी गठन, सी संरचना, सी संरचना, सी संरचना, डी, डी से डिजर्व, जो डिजर्व करेगा उसी को आरक्षण मिलेगा, डी आरक्षण। तो ए बी सी डी पहले, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ठीक है। समझ में आ रहा है, ए में आपका ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा किसे कहेंगे, ग्राम सभा की स्थापना कैसे की जाएगी, कौन सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होगा, ग्राम सभा की बैठक कब कब होगी, कौन उसके अध्यक्ष होंगे, सारी चीजों के बारे में आपका वर्णन रहेगा 243 ए में, आर्टिकल 243 ए में। तो अभी हम उसके अंदर चलेंगे बाद में, पहले आपको आर्टिकल, ए ग्राम सभा, बी पंचायतों का गठन, ठीक है, बी गठन याद रहेगा तो आपको कम से कम पंचायतों का गठन अगर ऑप्शन में आए तो पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे में क्या बताया गया है, आर्टिकल बी में पंचायतों के गठन, तीसरे में सी में पंचायतों की संरचना, डी में सीटों का आरक्षण कैसे होगा। तो ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, यहां तक हुआ। ई अवधि,
ई अवधि, अवधि या कार्यकाल, ई से अवधि याद रखना है, ई अवधि, ठीक है, अवधि या उसको कार्यकाल बोलते हैं। ई अवधि एफ, एफ से आपका देखो कौन योग्य होगा कौन योग्य नहीं होगा, तो इसमें पता चलेगा निहरताएं, ठीक है। तो एफ से फेलियर, कौन योग्य नहीं होगा, ठीक है, एफ से फेलियर ऐसा याद रखिए। जी, जी आपको याद रखना है शक्ति, जी शक्ति, पार्ले जी खाते हैं तो क्या मिलता है, शक्ति। एच, एच से आपको कर याद रखना है, एच कर। और आई वित्त याद रखना, आई वित्त, आई वित्त पैसा आया, आई वित्त, ठीक है। तो ई अवधि एफ फेलियर, फेलियर में निहरता है, ठीक है, याद रहेगा। जी शक्ति, एच कर, आई वित्त, ठीक है, याद रहेगा। ई अवधि एफ फेलियर, जी शक्ति, एच कर, आई वित्त, आई वित्त, आई वित्त, ठीक है, बार बार बोलेंगे तो याद होगा। अब एक साथ बोल रहा हूं, सुनिएगा। ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण। ई अवधि एफ फेलियर, ठीक है, जी शक्ति, एच कर और आई वित्त, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ए में ग्राम सभा के बारे में है, आर्टिकल 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में है, अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में है, डी में सीटों के आरक्षण के बारे में है, ई में पंचायतों के कार्यकाल के बारे में है, उसका कार्यकाल कैसा होगा, क्या सारी चीजें, एफ से में सदस्य के लिए क्या क्या निहरताएं रखी गई है उसके बारे में है, जी में पंचायतों को क्या क्या शक्तियां दी गई है उसके बारे में है, ठीक है, एच में पंचायतों के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं उसके बारे में है, और आई में राज्य वित्त आयोग के गठन करने की बात की गई है। तो ये सारा आर्टिकल हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको चीजें याद करनी है ऊपर ऊपर। ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ई अवधि एफ फेलियर, एफ फेलियर, ठीक है, जी शक्ति, एच कर, आई वित्त, ठीक है, जे जांच, जे जांच, जे से जांच, संपरीक्षा को जांच, और ठीक है, याद रहेगा, जे जांच या संपरीक्षा, जे जांच, निर्वाचन, जे जांच के निर्वाचन, ठीक है, जे जांच के निर्वाचन, जे जांच के निर्वाचन, जे जांच के निर्वाचन, एल में लागू होना, एल में लागू, एम में आपका लागू ना होना, एल में लागू, एम में मना करना, एम में मना ऐसा याद रख लो, एल में लागू होना और एम में लागू ना होना, और एन में बने रहना, एन में बने रहना, ठीक है। और ओ में आपको याद रखना, ऑर्डर ऑर्डर करते हैं तो कहां करते हैं, नाला, ठीक है। जे जांच के निर्वाचन, जे जांच के निर्वाचन, एल लागू, एम मना, एम मना या लागू ना होना, एन बने रहना, ठीक है, ओ में ऑर्डर, तो न्यायालय का हस्तक्षेप, जो भी निर्वाचन संबंधी मामले होंगे वो न्यायालयों के हस्तक्षेप, कैसे कैसे उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप किया जाएगा उसका वर्णन है, ठीक है। तो इसको एक एक आर्टिकल डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम आर्टिकल याद कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस लास्ट बार, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ई अवधि, एफ जी शक्ति, एच कर, आई वित्त, जे जांच, के निर्वाचन, एल लागू, एम मना, मना या लागू नहीं होना, एन में बने रहना, और ओ में न्यायालय, ऑर्डर, तो न्यायालय का हस्तक्षेप, याद हुआ। 15 आर्टिकल, 15 का 15 आपको याद रखना है, ठीक है। और एक एक आर्टिकल को ग्राम सभा से लेकर के हर चीज, ठीक है, पूरा आर्टिकल 243 ओ तक डिटेल पढ़ेंगे, पूरा पंचायती राज आपका समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक दो टॉपिक और आप देख लेंगे कि यही आप क्या करेंगे, जब पंचायती राज का आप जब आर्टिकल याद कर ही लिए हैं तो यही एक और आर्टिकल याद कर लीजिए जो नगरी निकाय से संबंधित है, ठीक है। जब हम नगरी निकाय पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल आपको काम आएगा, क्यों, तो जैसे जैसे कि ए बोले, ए ग्राम सभा, बी गठन,
तो यहां का यहां आर्टिकल जो है वो 243 पी से 243 जेड जी तक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी, इस तरीके का है। ठीक है, तो ए में इधर ग्राम सभा है तो उधर परिभाषा है, बी गठन है तो इधर पंचायतों का गठन है तो उधर नगरीय निकाय का गठन है। समझ में आ रहा है? तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना है। ए ग्राम सभा, ए बी क्यू गठन, अब एक साथ बोला है, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण। ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ई यू अवधि, ई यू अवधि, ई यू अवधि। ठीक है, एफ वी फेलियर, एफ वी जी डब्ल्यू शक्ति, जी डब्ल्यू जी डब्ल्यू एच एक्स कर, एच एक्स कर, एच एक्स कर, आई वाई विथ, आई वाई विथ, आई वाई, आई वाई, जे जेड जांच, जे जेड, के जेड ए निर्वाचन, के जेड ए निर्वाचन, एल लागू तो इधर भी आपका लागू, एम, हाँ यहां याद रखना है कि जेड के बाद जब खत्म हो जाएगा जेड तो जेड ए, इधर के है तो जेड ए, एल है तो जेड बी, एम है तो जेड सी। ठीक है, एल में लागू तो लागू, एम में लागू ना तो लागू ना, मना करना। ठीक है, उसके बाद आप सीधा यहां आर्टिकल आ जाइए। ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए, 243 एन है उधर, एन में आपका बने रहना तो यहां भी बना रहना, यहां नगर पालिकाओं का बना रहना, वहां पंचायतों का बना रहना। ओ में ऑर्डर निर्वाचन तो पंचायतों से निर्वाचन संबंधी मामले आपका वहां, और यहां नगरीय निकाय संबंधी निर्वाचन के मामले इधर, इधर कहां आ जाएंगे, जेड जी है ना, ऊपर जेड एच, ये दो आपको 243 जेड ई में आपका जिला योजना के बारे में है, 243 जेड ई में आपका महानगर योजना के लिए समितियों के बारे में। तो दो को थोड़ा स्किप कर देना, लेकिन मैं आप लोग को पीडीएफ दे दिया हूं, उसको एक दो बार आपको पढ़ना है। ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ई यू अवधि, ई यू अवधि, एफ वी फेलियर, एफ वी फेलियर, जी डब्ल्यू शक्ति, जी डब्ल्यू शक्ति, एच एक्स कर, एच एक्स कर, आई वाई विथ, आई वाई, आई वाई, ठीक है, जे जेड जांच, जे जेड जांच, के जेड ए, के बाद जेड ए, अब जेड हो गया तो जेड ए होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, निर्वाचन, ठीक है, एल लागू, इधर भी लागू, उधर एम मना, इधर ही मैन मना, फिर यहां एन आएगा तो यहां क्या आएगा, इधर जेड एच आएगा, बस इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, इधर ये दोनों लास्ट आर्टिकल है तो इधर से कुछ नहीं करना, जेड जी तक है तो जेड एच होगा ऊपर वाला, है कि नहीं, जेड एच होगा फिर जेड जी आएगा, तो नीचे से शुरू कर सकते हो, यहां लागू और इधर मना, ये दो को आपको अलग से याद रखना, बनेगा? तो इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करिए और याद करके आना है इसको। ठीक है, अब देखिए 73वें संविधान संशोधन में के बाद जब भारतीय संविधान का भाग 9 में आर्टिकल, अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं, कितने 29 विषय, कौन कौन से, अब उसको याद करते हैं। ठीक है, देखो याद करते चलिए, कोशिश करिएगा याद हो। ठीक है, मैं याद करने का तरीका आपको बताते चल रहा हूं, एक दो बार और आप घर पर रिविजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, याद होगा। 11 ऐसे विषय हैं, 29 अनुसूची 11 में कुल विषय कितने हैं, 29 विषय। तो इस 29 विषय को देखते हैं कैसे याद करना है। गांव में है व्यक्ति तो मेन उसका काम क्या है, गांव में हम ग्रामीण निकाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि 75% से अधिक जनसंख्या कृषि, तो सबसे पहले कृषि ध्यान से समझते चलना, कृषि करना है तो क्या पड़ेगा जरूरत, भूमि, भूमि है तो क्या करोगे, सिंचाई किससे करोगे, ठीक है, तो पहले कृषि, कृषि के बाद भूमि, भूमि के बाद जल, जल याद रखिए, ठीक है, जल, जल होगा तभी सिंचाई होगा।
साथ ही साथ उस पे खाद की जरूरत पड़ेगी तो पशुपालन, पशु से आप दूध भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो पशुपालन याद कर ली। पशुपालन के साथ साथ मछली पालन भी याद रख लेना है, साइड बिजनेस के लिए मछली पालन भी, ठीक है। तो कृषि, भूमि, जल, फिर पशुपालन और मत्स्य पालन, यहां तक हुआ। उसके बाद आपको याद रखना है वन, गांव में वन, वन के बाद आपको देखो वन से हम लघु वनोपज प्राप्त कर सकते हैं, वन से हम खाद्य संस्करण उद्योग लगा सकते हैं और यहीं से हम कुछ कुटीर उद्योग भी लगा सकते हैं। तो तीन, अगर देखो ध्यान से सुनते चलना, व्यक्ति कृषि कर रहा है, कृषि है तो भूमि चाहिए, भूमि है तो सिंचाई करेगा तो जल चाहिए, ठीक है, जल है तो, जल तो हो गया, उसके बाद खाद चाहिए, खाद के लिए पशुपालन और मछली पालन, फिर आ गया वन। जो व्यक्ति ये सारी चीजें नहीं कर रहा है वो क्या करेगा, वन जाएगा, ठीक है, वनों से संबंधित कुछ उद्योग लगाएगा, ठीक है, एक उद्योग, कुछ उद्योग लगाएगा लघु उद्योग, साथ ही साथ खादी ग्राम कुछ कुटीर उद्योग लगाएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद ठीक, अब उसको घर, घर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, यहां से पैसा कमा लिया, यहां से पैसा कमा लिया, क्या बनवाएगा, घर बनवाने के बाद उसको सबसे पहले क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, पानी, पेयजल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आवास, आवास के बाद जल, जल, अब घर बन गया तो घर में दो लोग रहेंगे, दो लोग का मतलब एक तो इंसान रहेगा, फिर उसका आपको पशुपालन किया है तो पशु, पशु रहेगा, तो आपको ईंधन का जरूरत पड़ेगा और उसको चारे का जरूरत पड़ेगा, तो ईंधन और चारा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ईंधन को कहां यूज करोगे आप, सड़क, ठीक है, सर, एक देखो आवास है, आवास के लिए, आवास में आपको क्या चाहिए, पेयजल, ठीक है, फिर आपको ईंधन और चारा, साथ ही और क्या क्या जरूरत है आपका, सड़क चाहिए, सड़क चाहिए ना जी, पुलिया पुल चाहिए, क्योंकि सिंचाई के लिए बहुत सारा हम लोग बनाते हैं नहर वहर, तो पुलिया चाहिए, ठीक है, विद्युत चाहिए आपको, गांव में विद्युत चलेगा तब तो आपका सिंचाई के लिए मोटर चलेगा, ठीक है, साथ ही साथ और कोई तरीके से हम, हो सकता है सोलर एनर्जी से कहीं अगर यूज कर रहे हैं तो पारंपरिक ऊर्जा, ये 15 याद रहेगा। कृषि, कृषि है तो भूमि, देखो एक मोटा मोटी याद कर लेंगे ना तो ऑप्शन से पकड़ लोगे, हर एक चीज को हूबहू याद करना पॉसिबल नहीं है, वो रटने वाला कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको चीजें ऐसा बता रहा हूं कि आपको ऑप्शन से चीजें याद हो जाए, समझ में आ रहा है। तो भूमि सबसे पहले, कृषि, कृषि है तो भूमि, भूमि है तो जल, ठीक है, जल के बाद पशुपालन, मछली पालन, फिर वानिकी, वानिकी से उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है, उसके बाद आपका याद रहेगा उद्योग, एक लघु वनोपज को याद रखना, लघु वनोपज मिलेगा, उद्योग और कुटीर उद्योग, फिर आवास, आवास है तो पानी, पेयजल, उसके बाद आपको, आपको चारा, चारा, हाँ चारा याद रखना है, पेयजल के बाद चारा, खाना भी तो लगेगा, ठीक है, उसके बाद सड़क, सड़क के बाद आपका हो जाएगा बिजली, सड़क, बिजली और एक्स्ट्रा एनर्जी याद रखना, तो ये 15 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो अब समस्या क्या क्या, हम गांव में क्या क्या समस्या है जिसको दूर करने के लिए काम किया जाता है, गरीबी, शिक्षा, गरीबी, शिक्षा, ठीक है, क्या है, तो शिक्षा जो हो सकता है तकनीकी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, ठीक है, दोनों याद रखना है, तकनीकी और गांव में बुजुर्ग भी पढ़ना चाहेगा तो प्रौढ़ शिक्षा है उसके लिए, ठीक है ना। सबसे पहले गरीबी, गरीबी कैसे हटेगा, खुद ही सोचिए कैसे हटेगा, शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से या तो व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, तकनीकी या तो बुजुर्गों को भी पढ़ाना है तो, शिक्षित करना है तो प्रौढ़ शिक्षा याद रहेगा। शिक्षा कहां से मिलेगा, पुस्तकालय से, जरूरी नहीं है कि किताबों से ही शिक्षा मिला, कुछ सांस्कृतिक कार्य क्रियाकलाप से भी शिक्षा मिलता है, ठीक है। अब ये शिक्षा हो गया तो कहीं ना कहीं मनोरंजन भी जरूरी है, पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, उसके लिए बाजार व मेले भी जरूरी है ना, बाजार मेले में कुछ हो गया तो अस्पताल भी जरूरी है, ठीक है, अस्पताल में क्या होगा, आपका परिवार कल्याण होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। और गांव में कोई विशेष वर्ग है उसको भी आपको महत्व देना पड़ेगा, जैसे कि महिला, जैसे कि विकलांग,
जैसे कि कुछ कमजोर लोग हैं उनके लिए अलग से, महिला, विकलांग और कमजोर लोग। लास्ट में आपको याद रखना है लोक वित्त। लोक वितरण का मतलब लोगों को एक मिनिमम दर पर चीजें, उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराना, ठीक है, लोक वितरण। और लास्ट में आपको याद रखना है सामुदायिक अस्तित्व का संधारण। तो 1, 2, 3 बार इसको आप प्रैक्टिस करिए और उसको याद करिए। जैसा मैं याद कराऊं वैसा हो जाएगा, वो याद हो जाएगा ना। चले आगे। तो ये आपका 29 का 29 विषय किसमें है? अनुसूची 11 में बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में, ठीक, जब पंचायती राज का गठन हो गया है तो कैसा कैसा अलग अलग राज्यों में, क्योंकि इसको पूछ रहा है, पहले नहीं पूछता था लेकिन अब एग्जाम में पूछ रहा है, किन किन राज्यों में त्रिस्तरीय है, किन किन राज्यों में 2 स्तरीय है, ठीक है। साथ ही अगर 3 स्तरीय है तो जब बलवंत राय मेहता जो है वो त्रिस्तरीय बोले थे, क्या बोले थे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन हर राज्यों में ऐसी त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। जिला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, खंड स्तर पर जनपद पंचायत है और जिला स्तर पर जिला पंचायत है, हमारे यहाँ जिला परिषद नहीं है। तो अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं अलग अलग है, उसको मैं याद करा रहा हूं एकदम जैसे मैं याद कर रहा हूं, पूरा अभी कभी याद हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है, जैसा याद करा रहा हूं वही से ही याद होगा आपको। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो अभी एक काम आपके लिए छोड़ा हूं मैं, क्या, 243 से एक ग्राम सभा से लेकर के पूरा वो तक, ठीक है। दूसरा आपका 11 अनुसूची में 29 विषय है, पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कहीं से भी प्रश्न है पंचायती राज से बनना चाहिए, बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब देखिए विभिन्न राज्यों में आपका क्या है भाई, पंचायती राज संस्था है। तो पहले एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता ने बोला है वैसा कहां कहां है, ठीक। बलवंत राय मेहता ने जैसा बोला है वैसा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, क्लियर। मैप याद रखिएगा, मैप जैसा बता रहा हूं वैसे ही आपको याद रखना, मैप से ही बनेगा आपका, ऐसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। याद रखिए बलवंत राय मेहता याद रहेगा, बलवंत राय मेहता आया मतलब 6 राज्य आपको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले शुरू करना है हिमाचल, कहां, हिमाचल प्रदेश। बलवंत राय लिख देता हूं तो 3 स्तरीय समझ जाओगे, ठीक है। 2 राज्य आपका पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कितना हुआ, 6 हो गया, 6 राज्य आपको याद रखना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, यही तो बोला था कौन, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बनेगा, याद रखना, ठीक है, बनेगा। अब देखिए जैसा मैं याद करा हूं वैसे ही याद करना है। अब देख, अच्छा, 2 ऐसे राज्य हैं जहां मैं आपको बताया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि कहां कहां 2 स्तरीय है, तो गोवा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है। गोवा आपका मणिपुर और आपका सिक्किम 2 स्तरीय, गोवा, मणिपुर, एक इधर एक उधर एक ऊपर, ठीक है। गोवा, मणिपुर, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, एक राउंड ऐसा चलना, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, बनेगा, ठीक है। जहां 2 स्तरीय है तो 2 लिख दिया हूं, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। अब देखिए मेन टास्क ये है, मेन टास्क ये है, जहां अलग अलग है पंचायती राज का स्तरीय,
अब इसको कैसे याद करेंगे, और यही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। याद करवा रहा हूं, पूरा याद करना है ना। देखिए, अपने को सबसे पहले इसको दो हिस्से में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्राम स्तर पर, तीन स्तरीय पंचायती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, कहां कहां पंचायत समिति नहीं है इसको देखेंगे बाद में, और उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ध्यान देते चलना, भारत देश के हर एक राज्य में ग्राम पंचायत मिलेगा, एक को छोड़ के। असम, असम में गोअन पंचायत मिलेगा। असम में क्या मिलेगा? गोअन पंचायत मिलेगा। असम में क्या मिलेगा? गोअन पंचायत, याद रखना, असम में। ठीक है, बाकी हर में जो निचला स्तर है सेम है, मतलब ग्राम पंचायत। तो याद करने की जरूरत नहीं, अलग जो है उसको याद कर ले। असम में क्या है? बनेगा, बाकी सब जगह आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, अब खंड वाले को बाद में याद करना। मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, वैसे याद करना है। ग्राम वाला हो गया, पूरे भारत देश में कहां अलग है, कौन सा है, सबसे निचला याद हो गया। अब सबसे ऊपर वाले में चलेंगे, कहां कहां जिला परिषद नहीं है वो याद हो जाएगा, तो कहां कहां है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो कहां कहां नहीं है वो याद करते हैं। समझ में आ रहा है, कहां कहां याद करते चलिएगा, ठीक है। कहां कहां नहीं है, या कहां कहां जिला पंचायत है, जिला परिषद नहीं है तो जिला पंचायत होगा। समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है, तो जिला पंचायत कहां कहां है। सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लाइन से तीन, एक लाइन में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, लाइन से, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बनेगा, ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक, केरल और, ठीक है, झारखंड और त्रिपुरा, झारखंड और त्रिपुरा, ये सारा जगह आपका जिला पंचायत है। क्या है? जिला पंचायत है। क्या है? तो जिला पंचायत, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, त्रिपुरा, झारखंड और आपका कर्नाटक। क्या है? जिला पंचायत। इसको कायदे से ऊपर होना था तो नीचे लिखा गया, तो एक साथ जिला, बाकी सब जगह क्या होगा? जिला परिषद होगा। और ऑलरेडी मैं जिला परिषद और आपको उधर भी बताया, तीन स्तरीय हर जगह है। समझ में आ रहा है कैसा याद करना है अखिलेश? समझ में आ रहा है, ग्राम वाला अलग था वो याद कर लिया असम, फिर हम जहां जिला परिषद नहीं है वो याद कर लिए, ठीक, समझ में आ रहा है। तो जिला परिषद कहां नहीं है तो अपन ने याद किया, मैप से याद रखो, ऐसा थ्योरी से याद नहीं होगा। एक लाइन इधर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, झारखंड, त्रिपुरा, खत्म। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मैं जैसे याद कराऊंगा वैसे याद करना। अब मेन टास्क है ये कि यहां सब अलग अलग है, खंड वाला, समझ में आ रहा है, खंड वाला सब जगह अलग अलग नाम से है, समझ में आ रहा है। तो अब कैसे याद करेंगे देखते चलिए, जैसे याद करा रहा हूं वैसे याद करना। खंड वाला सब अलग अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो, नीचे वाला पूरा याद हो गया, ग्राम पंचायत हर जगह हो गया, कहां कहां जिला पंचायत है वो याद हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी याद रखना है, बाकी सब जगह जिला परिषद तो पूरा याद हो गया, जिला परिषद कहां कहां है, ग्राम पंचायत का बीच वाला बच गया। अब बीच वाला देखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु संघ याद रखना है, तमिलनाडु, तमिलनाडु जैसे ही आएगा, तमिलनाडु संघ, तमिलनाडु संघ, तमिलनाडु में संघ, जैसा जैसा मैं याद कर रहा हूं वैसे याद कर, तमिलनाडु संघ, तमिलनाडु पंचायत की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंचायत रहेगा ही, तो पंचायत संघ बोलने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु संघ, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक।
उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहां होता है? सिंचाई वाला तो क्षेत्र देखना, अभी मैप में आपको कैसे क्लिक करेगा, अभी याद करते चलिए, फिर मैप में अपन याद करेंगे। तमिलनाडु संघ, उत्तर प्रदेश क्षेत्र, याद रहेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्र सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ऐसा भी याद रख सकते हो, है ना, इसलिए क्षेत्र के नाम से ही पंचायत कर दिया। ठीक, उत्तराखंड, खंड खंड, उत्तरा उत्तराखंड, ठीक है, हिमालय के मध्य में क्या है? उत्तराखंड है, हिमालय के मध्य में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में मध्य, उत्तराखंड याद आया मतलब मध्य। ठीक है, केरल, केरल याद रखना, केरल में क्या है भाई? बंदरगाह है, बंदरगाह है तो बड़ा बड़ा कंटेनर जाता है, कंटेनर भी जाता है आपका खंड में, समझ में आ रहा है, कंटेनर ऐसा याद रखना। उत्तराखंड आपका हिमालय के मध्य में तो मध्यवर्ती, केरल में बड़ा बड़ा खड्डा जाता है तो उसको खंड याद रखना। ठीक है, त्रिपुरा और झारखंड, त्रिपुरा और झारखंड में आपका देखो पंचायत समिति बीच वाला है, कॉमन है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है, बलवंतराय वाला है सिस्टम है बीच में। ठीक है, तो इस आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलकर के मंडल, मिलके आंध्र तेलंगाना मिलके गुजरात में क्या खेलते हैं, क्या बजाते हैं? ताली। गुजरात में तालुका, ठीक है, गुजरात में, कर्नाटक में भी तालुका, कर्नाटक वाले गुजरात को देख के ताली बजाएंगे, समझ में आ रहा है? याद रहेगा, बिहार में तो पंचायती बहुत ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ पंचायत, अलग से नाम देने की जरूरत नहीं हुआ, तो सिर्फ पंचायत। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, तीनों में अंचल, पहले में अंचल, फिर इसमें आंचलिक और आंचलिक, अंचल आंचलिक आंचलिक, कहां कहां? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। तो आप लोग इसको मत देखिए, अब मैं बताते जा रहा हूं, इधर बस देखिए और कोशिश करिए याद करने का जो मैं कोड बताया। तमिलनाडु संघ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, उत्तराखंड हिमालय के मध्य में मध्यवर्ती, केरल में प्रखंड, है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलके, मिलके मंडल, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलके, गुजरात, गुजरात को देख के तालुका। ठीक है, बिहार में पंचायती, ज्यादा पंचायत है तो अलग से पंचायत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरुणाचल, ये देखो अरुणाचल चल आचल, अरुणाचल अचल, अरुणाचल अचल, है ना, अरुणाचल अंचल। फिर पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल से जुड़ा आपका असम, पश्चिम बंगाल से जुड़ा आपका, दोनों में आचली। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलके, गुजरात देख के, बिहार में अरुणाचल और पश्चिम बंगाल असम, एक क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए, समझ में आ रहा है? कौन कौन से राज्य में अब किस किस तरीके का है, एक बार घर जाना, मैप में जैसा मैं बताया हूं वैसा एक बार ड्रॉ कर लेना, आपके पास एक क्वेश्चन पूछेगा तो बनना चाहिए, बनेगा? Yes, बनेगा? Yes, याद रखना है। ठीक है, चले आगे, चले आगे। Yes, ये पूरा का पूरा आपको मैप में जैसा जैसा मैं आपको याद कराया हूं वैसी वैसी आप याद रखेंगे तो बनेगा। इस मैप में मैंने दो चीज बस बताया है, इस मैप में एक तो कहां कहां आपका, जैसे बलवंत राय बोला है वैसा है, तो हिमाचल, हिमाचल के बाद आपका दो राज्य पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहां कहां दो है, तो यहां से गोवा और चले जाएंगे मणिपुर और सिक्किम, गोवा मणिपुर और सिक्किम, गोवा जाने के लिए मनी लगेगा, है ना, मनी कैसा रहेगा, सिक्के वाला, ऐसा याद रखना, गोवा मनी सिक्किम, ठीक है, याद रहेगा, गोवा मणिपुर और सिक्किम, ये तीन आपको याद रखना, बनेगा, याद रखना। तो ये आपका हो गया सारा का सारा, कहां कहां त्रिस्तरीय है, क्या है, बनेगा?
एक क्वेश्चन आएगा, बनना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, चलिए अब ध्यान दीजिए। देखो दो चीजें याद रखना है, जो अधिनियम विधेयक है अधिनियम बनेगा, कानून बनाने का काम संसद का है, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानून बनेगा। लेकिन किसी कानून को यदि राज्य में लागू करना है तो उस कानून को, उस विधेयक को, उस अधिनियम को हम क्या करेंगे, उस राज्य में प्रस्तुत करेंगे, राज्य के विधानसभा में, ठीक, राज्य के विधानसभा में जाएगा और उसको लागू करने का, कानून नहीं बना रहे हैं, उस कानून को लागू करने के लिए काम करेंगे, याद रहेगा। तो मध्य प्रदेश राज्य में वो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम